जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही दिनों में दिवाली का त्यौहार हम लोगों ने धूमधाम से मनाया और इसी बीच में सर्दी की दस्तक सारे देश में हो चुकी है। और जैसे ही सर्दी का मौसम बढ़ता है और वायुमंडल में धूल, घर की सफाइयों और प्लस आर्द्रता कारण जितना भी एटमॉस्फेयर में जो प्रदूषण है वो सब सतही तौर पर आ जाता है। हम अभी यहाँ पे हाल देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर की घटनाओं के हिसाब से कितना प्रदूषण का लेवल ऊंचा है, एवं घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। ऐसे मौके पर जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो हवा के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेस्पायरेबल साइज के होते 2.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के पार्टिकल साइज अगर नीचे रहेंगे तो वो सारे पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकस से होते हुए सांस की ट्यूब में जाएंगे। और ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और विभिन्न लोहे के तत्व, अन एग्जॉस्टेड डीजल के कण जो होते हैं, सारे जो ये रेस्पिरेटरी पेसेस के अंदर जाने के बाद में कॉमन बीमारी होगी ब्रोंकाइटिस। हम देखते भी अस्थमा के मरीज काफ़ी बड़े हुए होंगे हर जगह। अस्थमा के जो लोग अभी तक कंट्रोल थे और उनको सबको फिर से एक बार नए सिरे से उन्हें दवाएं जमानी होगी जो लोग सिम्टोमेटिक हो रहे हैं। जो पेशेंट स्मोकर थे जिनको COPD थी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इम्फाइसिमा था, उन लोगों के भी अटैक काफ़ी मात्रा में हम लोग पेशेंट देख रहे हैं। निमोनिया के पेशेंट भी काफ़ी बड़े हुए हैं। अभी स्वाइन फ्लू जैसे कि हर साल ठंड के अंदर मौसम में आता है, ऐसे भी हम कुछ पेशेंट देखना शुरू किए हैं। तो कुल मिला के हमें प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। हमारे खुद के लेवल पे भी इस पर बहुत से प्रयास करना होंगे। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसिमा, COPD या बाल अस्थमा है या स्किन के कुछ एलर्जीज हैं, तो ऐसे लोगों को इस समय अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं कुछ तकलीफ हो तो, और प्रदूषण में जाने से बचें और कहीं जा रहे हैं भीड़ भाड़ इलाके में जाने से भी बचना चाहिए। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं इवन वो स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें, इवन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं इनके फ्रेंड्स जो स्मोकिंग करते हैं उनके पास नहीं बैठे, उनके रिक्वेस्ट करें कि वो स्मोकिंग नहीं करें। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बार बार 2-3 बार एडमिशन जिनके हो चुके हैं ICU में या मेडिकल OPD में, उन पेशेंट्स को निमोकोकल वैक्सीन और H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल है, वो हम उसको लगा सकते हैं जिससे खास तौर पर इन्वेजिव निमोनिया जो होता है उससे हम बच सकते हैं। तो कुल मिला के सरकार अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है, लेकिन प्रदूषण की मात्रा कुछ हद तक हम लोग कम कर सकते हैं, कुछ बचाव हम लोग करें तो मेरे हिसाब से हम लोग इस सर्द का मौसम बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा जोर सुबह के मॉर्निंग आवर्स में होता है और जो लोग मॉर्निंग आवर्स में मॉर्निंग वॉक करते हैं यूजली उन्हें अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा लेट चालू करें जो सूर्य भगवान हो गया उसके बाद में। सेकंड, जो लोग फील्ड में जाते हैं उन्हें जो गाड़ी पे जाते हैं, टू व्हीलर्स पे जाते हैं, उन्हें हेलमेट लगा के जाना चाहिए। कुछ महिलाएं जो स्कूल गोइंग के बच्चे हैं उन्हें स्कार्फ वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। और ख़ास अगर एसी कार में अगर आप जा रहे हैं तो उसके शीशे हमेशा चढ़ा के रखें और लो फैन में रखें क्योंकि तेज़ हवा से भी कई बार स्टमक अटैक हो सकते हैं। बहुत सारा पानी पिए और हाइड्रेशन अच्छा रखें। कोई डीओ, कोई डिओड्रेंट, कोई मच्छर छाप, कछुआ छाप अगरबत्ती, कोई भी इस टाइप की कोई ज्वलनशील बंद कमरे में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगरबत्तियाँ हैं, धूप बत्तियाँ हैं, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें। और बहुत सारा पानी पिए और अपने नियमित दवाइयाँ लें जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए। लक्षण में खास करके जो सांस के मरीज होंगे उन्हें गले में खराश होना और हल्का सा बुखार होना, खांसी के बलगम में कुछ येलोइश डिस्कलरेशन होना उनके थूक के अंदर, बलगम के अंदर। कुछ लोगों को चेस्ट पेन होगा और चेस्ट पेन के अलावा सांस भरना, सांस में घड़घड़ाहट की आवाज़ें आना, सांस फूलना। और ऐसे कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको पूरे शब्द एक सेंटेंस पूरा ढंग से नहीं मिल पाए या अथवा चलने से भी एकदम सांस भरने लगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे पेशेंट्स को हमें ज़्यादा जल्दी मेडिकल हेल्प देना चाहिए।